नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे जॉइंट रेशो यानी कि संयुक्त अनुपात। बहुत ही आसान चैप्टर है लेकिन कई बार पजल कर देता है, इसी से संबंधित है। देखिए, 5:7, 9:10 और 3:4, इनका क्या करना है, संयुक्त अनुपात निकालना है, जॉइंट रेशो। क्या करेंगे, 5/7 गुणा 9/10 गुणा 3/4, ठीक है। इनको काट देंगे, 5 × 5, 5 × 2 = 10, ठीक है। और सिंपली फिर क्या करना है, इनका गुणा कर देंगे। देखिए, 9 × 3 = 27 बटे 7 × 14, 14 × 4 = 56, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 27:56 आंसर। सिर्फ ये ट्रिक हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इनका गुणा करके इनको काट देना है। ओके, अब देखिए आगे, 8:11, 3:4, 7:6 और 4:5, इनको लिखेंगे 8/11, 3/4, 7/6 और 4/5 को। ओके, देखिए, 4 × 4, 4 × 8, 3 × 3, 3 × 6, 2 × 2, 2 × 4, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ओके, आगे देखेंगे, 7 × 14, 14 × 28 बटे 11 × 5 = 55, ये आ जाएगा 28:55 आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और देखेंगे, ये लास्ट है, 4:1/2, 1/2/2, 3/5 और 9/11। इसमें थोड़ा सा पजल हो सकते हैं बच्चे, इसकी पजल ने इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए, 4 हम क्या करते हैं, बटे में करते हैं, बटे के बटे में आ गया ये, ठीक है। पहले इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि आगे आपको आराम से समझ में आ जाए। 1/2 के भी बटे में 2, ये 3/5 और ये 9/11, ये बिल्कुल पहले वाले सम की तरह से हमने इसको कर लिया है। अब देखिए, ये बटे के बटे में है, अगर ये ऊपर आएगा तो ये क्या है, घूमकर आएगा 4, ठीक है, घूमकर आएगा। कैसे घूमेगा, 1/2 है तो ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है, गुणा ये 1/2 के बटे में 2 है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब ये है जो इसे घूमकर ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/2 ये ऊपर वाला था, ठीक है, इसको लेंगे तो घूमेगा तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है ही, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। ओके, अब देखिए, 2 से 2 कट जाता है, 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये कट गया, ठीक है। अब आगे देखिए, और क्या कट रहा है, ये इसमें से आपको कुछ और भी अगर कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको आप काट सकते हो, नहीं कट रहा है, ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, 3 × 6 = 56 बटे 11 × 5 = 55, इसको हम लिख सकते हैं 56:55 आंसर। तो ये था जॉइंट रेशो। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होता है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया अच्छे से तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।